बीडीओ से मारपीट करने वाले आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर अनुसूचित जाति समाज द्वारा मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। थानागाजी विगत शुक्रवार को पंचायत समिति कार्यालय में एएओ द्वारा विकास अधिकारी को थप्पड़ मारने के विरोध में अनुसूचित जाति समाज द्वारा नारायणपुर रोड स्थित शिव बगीची में बैठक आयोजित कर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें अनेक गांवों से आए समाज के गणमान्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त कर बीडीओ को न्याय दिलाने व आरोपी संपत राम मीना पर कठोर कार्यवाही करने की मांग रखकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया। इसके बाद भलाई समाज अध्यक्ष जगदीश प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम खंड अधिकारी की गैर मौजूदगी में तहसीलदार अभिषेक यादव को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि विकास अधिकारी सुरेश कुमार बलाई द्वारा अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान थप्पड़ मारने से समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। हम आगे बढ़कर के जब पीछे जाते हैं ना, तो अगले ये सोच लेते हैं अरे क्या करने लायक है, दो दिन प्रार्थना करेंगे, तीसरे दिन अपन वापस। तो मेरा तो इसमें ज्यादा न कहकर के यही निवेदन है, यदि हम कोई कदम उठाते हैं और समाज आपके साथ है तो दूल्हे को अडिग रहना चाहिए। अगर वो दूल्हा बाद में अडिग नहीं रहता है ना, तो कहते हैं अरे क्या कर ली, समय इस पर सिकलवा ली गया, वहाँ तो रह भी थे, पढ़ाई भी थे, गोड़ी भी थे, सब थे, सब तरह किधरे रह गए। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए और हम आपके साथ हैं तन मन धन से, और जो बड़ी बड़ी टीम आ रहे थे वो तो आई भी नहीं, और ऐसे लोग हर समाज में मिलते हैं। लेकिन हम जो भी आगामी रणनीति बनाएंगे उनमें हम अपने आप को मजबूत करें कि आगामी जो रणनीति होगी उसमें हम अपने आप को मजबूत करके 7 दिन का टाइम दे दो, 3 दिन का दे दो, 5 दिन का दे दो, जो सर्व समिति से बने उसमें चाहे धरना प्रदर्शन का हो, चाहे उग्र प्रदर्शन का हो, चाहे थाना घेरा होगा, कोई प्रशासन घेरा होगा, उसमें सब लोग आज हम आए हैं जिससे दुगनी संख्या में आए। और दूसरी बात, अभी तहसीलदार जी ने भाई साहब और मुंजी के बारे में देखो ये चर्चा में कल मैं भी देख रहा था, वो सामाजिक विचार मंथन ग्रुप का ऐसा चल रहा था। तो ये कई बार हम ये मुद्दा था ये विकास अधिकारी जी का और हम दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ गए। तो ये ऐसे भाई आपस में हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में लड़ाई होती है, लेकिन हम उसको समझ मुद्दे को कोशिश करते डालते हैं, तो हम तो उस मुद्दे से भटक रहे हैं, दूसरे मुद्दे की तरफ लड़ना। और तहसीलदार ने एक जो सबसे बोले थे कर्मचारी, मैं भी एक कर्मचारी हूँ और मैं मेरी तरफ से आश्वासन देता हूँ कि हम जो कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं वो सब, हालांकि जो मैंने अभी भाषा बोली कि उग्र प्रदर्शन में हम शामिल नहीं हो सके, क्योंकि आज हम एक कर्मचारी की समस्या का समाधान नहीं करवा पा रहे और कल हमारे और घर जाएंगे तो हमारे शायद हम पीछे रहेंगे और हमारे जल्दी बहुत जल्दी ही बैक हो जाएंगे। लेकिन मैं तहसीलदार जी से निवेदन करना चाहता हूँ और समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो एक आम नागरिक है, जो प्रतिनिधि है, हमारे पूर्व प्रतिनिधि हैं या वर्तमान प्रतिनिधि हैं, वो इस भागदौड़ को आप संभालो और हम आपके बैक में भाई कुछ हेल्प में तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप हम आपके सहयोग में रहेंगे और आपके बैक में रहकर हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, क्योंकि हम इस सामाजिक मुद्दों में, उग्र प्रदर्शनों में या धरना प्रदर्शनों में बहुत ज़्यादा तरीके से भागीदारी नहीं ले सकते हैं। और हमारा जैसे एक इतने बड़े जो तहसील का पंचायत समिति का सबसे बड़ा अधिकारी है उसके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है, तो हम तो एक छोटे मोटे कर्मचारी हैं, हमारे साथ तो होते हुए टाइम भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ तहसीलदार जी, आप इस और जो हमारे जनप्रतिनिधि, आप इस भागदौड़ को संभालो और हम आपके साथ तन मन धन से साथ रहेंगे।